तो दोस्तों बात करते हैं बिटसोल की। मान लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग में बिटसोल हो गया है, अभी छोटा सा कट लगा हुआ है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया चकत्ते पड़ना, दाने पड़ना, नीचे जलन होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका बचाव कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिटसोल के बारे में और उसके बचाव, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह वीडियो बनाना और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आप सभी लोगों को पता होगा, शायद मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोल डाला था यूट्यूब पे, जिस पोल के द्वारा मुझे ये पता चला था कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो आज भी बेड पे हैं। और जो लोग बेड पे हैं उन लोगों को लेटे लेटे बिटसोल हो जाता है, वो चाहे एड़ी में कट लग जाना हो या कमर पे बिटसोल हो जाना हो। आप ये मान लीजिए कि आपको सर से लेके एड़ी तक जो भी निचला हिस्सा होता है वहाँ पर कहीं भी कट लग सकता है और कहीं भी बिटसोल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है उन लोगों को तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी जहाँ पर ऑपरेशन हुआ होता है उसी स्पॉट पे बिटसोल हो जाता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों इस कंडीशन में बिटसोल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी रिकवरी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसकी वजह से लोग ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है बिटसोल के बारे में, मैंने बताया था कि आप किस तरीके से अपनी देख रेख करें, क्या ट्रीटमेंट आप लें। पर बहुत सारे लोग मुझसे फिर भी सवाल पूछते थे कि मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या देखरेख करना है, किस तरीके से हम इसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं, आपका इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये सर्दियों का मौसम है, ऐसे में आपको अपना बिटसोल रिकवर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बाहर एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, इस वजह से इस मौसम में बिटसोल का और भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपको बिटसोल ना होने पाए, क्योंकि अगर आपको बिटसोल हो गया तो ये आपकी रिकवरी में आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और आपको बहुत ही नुकसान पहुँचाएगा। और दोस्तों साथ ही ये जानना भी आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे लाल चकत्ते पड़ना, दाने पड़ना, जलन महसूस होना, इस तरीके के भी लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि बैक साइड में, यहाँ कमर पे, ये रगड़ लगने की वजह से हो सकते हैं और इनसे बिटसोल भी हो सकता है। तो आप ऐसी कंडीशन में ही इसको सीरियसली लें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और ये मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि ये इन्फेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि यूरिन का ठीक तरीके से पास ना होना, हम लोगों का बावल ठीक तरीके से फ्रेश ना होना, इन सब चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं या जो भी परामर्श आपको डॉक्टर देते हैं, दवाइयाँ आपको लेने के लिए बोलते हैं, तो उसका उपयोग करें, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम अगर स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाती है तो आपको बिटसोल नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, आप वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इतनी मेहनत करके आप सभी लोगों तक वीडियो पहुँचाता हूँ तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों बात करते हैं बिटसोल की। मान लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग में बिटसोल हो गया है, अभी छोटा सा कट लगा हुआ है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया चकत्ते पड़ना, दाने पड़ना, नीचे जलन होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका बचाव कैसे करें? तो एक रबड़ का ट्यूब आता है, गोल रिंग टाइप का ट्यूब होता है जिसमें हवा भरी जाती है, उसमें आप उतनी ज़्यादा हवा ना भरें कि वो आपका जो बैक का हिस्सा है उसको ऊपर उठाए ज़्यादा, तो उसमें कम हवा भरें जिसकी वजह से वो आपका जो नीचे का हिस्सा है वो रगड़ने नहीं देगा और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। वो बहुत ही अच्छी हेल्प करता है रिकवर बिटसोल को रिकवर करने में। तो इसको आप यूज कर सकते हैं और ये आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस ट्यूब के रिंग का इस्तेमाल करें। और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा बिटसोल हो गया है तो आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके कोई मेडिसिन वगैरह, एंटीबायोटिक जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, या उसका ट्रीटमेंट करना, या फिर एक पाउडर आता है, ये पाउडर जो मैं दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं,
कि ये पाउडर स्टार्टिंग में आप छिड़काव कर सकते हैं, इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और गर्मियों में भी ये पाउडर छिड़कने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बहुत बार पसीना निकलता है और ट्रीटमेंट करना उतना आसान नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको ये दो स्टेप फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बिटसोल हो गया है और काफ़ी ज़्यादा बिटसोल हुआ है या कई अलग अलग जगह पे हुआ है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उस बिटसोल में होती है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ होता है, और वो सबसे ज़्यादा जानलेवा कह सकते हैं आप, घातक कह सकते हैं कि साबित हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें और उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करें, इसीलिए अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आप वॉकिंग भी नहीं कर सकते हैं, और सर्दियों के मौसम में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपका जो बिटसोल है ये रिकवर भी जल्दी हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस समय आप सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझें और इसको फॉलो करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, जो ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा घाव हो गया है, बिटसोल ज़्यादा हो गया है, तो मैंने अभी पहले बताया कि इसमें इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि बाउल ठीक से फ्रेश ना हो पाना, ब्लैडर ठीक से अपना क्लीन ना हो पाना, तो 99% चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन का। तो इसके साथ में जो मेडिसिन चलती है वो मैं आपको तो नहीं बता सकता हूँ, डॉक्टर ही रिकमेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बट ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और उसके साथ में आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो जो ट्रीटमेंट मैंने लिया है वो ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी हेल्प के लिए बताई हैं। और जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट वगैरह आपको लेना है, या अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे इन्फेक्शन हो सकता है या ऐसा क्यों है, तो आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए और वो आपका चेकअप करेंगे, और जैसा भी वो बताते हैं उस तरीके से उसको फॉलो करके अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जो ट्रीटमेंट मैंने लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कॉटन की ज़रूरत होगी, इसमें आपको स्प्रिट की ज़रूरत होगी, जो कि डॉक्टर के थ्रू रिकमेंड किया जाता है, जो कि घाव को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये 99% से भी अच्छा इफेक्ट करता है बैक्टीरिया को किल करने में, इन्फेक्शन वगैरह इससे काफ़ी परसेंट तक राहत मिल जाती है उसमें। तो आप इसके बाद में आप बीटाडीन लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद में भी बीटाडीन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आपका बीटाडीन लिक्विड नहीं यूज कर सकते हैं, छोटा घाव है, तो उस जगह पे आप इसका एक ट्यूब आता है जो कि क्रीम टाइप का होता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका और भी कम है तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि वो पाउडर वाला जो है उसको यूज कर ही सकते हैं। आपका घाव कैसा है, उसमें आपको छोटी पट्टी लगाना है, बड़ी पट्टी लगाना है, उस तरीके से आप पट्टी ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप सिर्फ पट्टी रख के ही घाव को अपने ठीक कर सकते हैं, उसमें आपको राहत मिल रही है, तो अच्छी बात है। अगर ज़्यादा घाव है तो पट्टी के अंदर आपको बाती चलानी पड़ सकती है, जिसको बत्ती बोलते हैं, तो उसमें आपको जो ये पट्टी होती है उसको बीटाडीन में भिगो के अपने घाव में भर के उसके ऊपर से पट्टी करनी होती है। तो ये ट्रीटमेंट इस तरीके से करना होता है, और ये ध्यान रखें कि जो मैंने अभी बताया, जो रिंग टाइप का होता है उसको नीचे रख के लेटें, जिसकी वजह से इसमें रगड़ ना लगे और इस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, करवट के भर लेटें, जिससे कि आपको जल्दी रिकवरी मिले। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि जो भी मेडिसिन आपको यूज करनी है वो मेडिसिन डॉक्टर आपको दे देंगे, रिकमेंड कर देंगे, आप बाहर से भी ले सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट आपको करना है वो आपको बता देंगे, और उसके बाद में आप वो घर पे भी ट्रीटमेंट अपने आप कर सकते हैं। तो इससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको बार बार डॉक्टर के पास में नहीं जाना पड़ेगा, टाइम की बचत हो जाएगी और कुछ पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने आप ही काम करते हैं, अपने आप ही ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या ट्रीटमेंट यूज करना है और कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया है। गर्मियों में आप कूल टेल यानी कि ठंडे पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं, और सर्दियों में भी अपना ख्याल रखें। तो जो चीज़ें इसमें ट्रीटमेंट जो यूज किया जाता है, जो मैंने यूज किया है, वो मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आप घर पर ही आसानी से बहुत ही जल्दी अपने बिटसोल को रिकवर कर पाएंगे, जिससे कि आपको रिकवरी करने में और अपने आप को ठीक करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और दोस्तों, एक बात मैं आप सभी लोगों को लास्ट में बता दूं, ये बात आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर इन सभी चीज़ों को आप नहीं झेलना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई घाव हो, आपके उसमें ट्रीटमेंट हो, आपको दवाई लेनी पड़े, या इसकी वजह से आपकी रिकवरी इफेक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे सेफ एक ही आइडिया है
कि आप करवट के भर लेटें और कोशिश यह करें कि ज़्यादातर बेड पे ना रहें, बैठें और एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आपकी रिकवरी आने लगेगी और आपका जो स्क्रैचेज नहीं पड़ेंगे, आपके कट नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से आपको बिटसोल नहीं होगा। तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही आप बिटसोल से बचे रहेंगे, क्योंकि अगर बिटसोल हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको डबल इंजरी या फिर घातक इंजरी कह सकते हैं हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपको बिटसोल ना होने पाए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे और मैंने बिटसोल में कोई डिटेल वीडियो बनाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। और ये बहुत ही अच्छा समय है अपने बिटसोल को रिकवर करने का। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रख के अपने बिटसोल को ठीक तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करें और अपने आप को रिकवर करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।